हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपके लिए MPSI ऑनलाइन सीरीज जो ओल्ड सीरीज है क्वेश्चन होती है वो लेकर आया। मेरा नाम तुषार चौधरी है। आप तो मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। यह हमने ओल्ड क्वेश्चन सीरीज का चौथा लेक्चर है और इसमें मैं हिंदी का लेक्चर आप तो करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको दिया है, इस पद तो ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर। ये पद पे पांच क्वेश्चन है तो अपन तो पढ़ना। हवा हो हवा में, क्या है? हवा हो हवा में, बसंती हवा हो, सुनो बात मेरी, बड़ी बावली हो, बड़ी मत मेला हो, नहीं कुछ फितर है और बड़ी ही डरती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर ढूंढती हूँ, मुसाफिर अंजाम हूँ। हनेती यह पद्धति है। मैं हवा अपना परिचय किस प्रकार देती यह बताना बताना है, राइट? तो इसमें जो हवा अपना परिचय बसंती हवा के रूप में देती है, हवा अपना परिचय गर्मी के हवा के रूप में देती है, हवा अपना परिचय हवा के रूप में देती है, हवा अपना परिचय हवा के रूप में पूर्वी हवा, तो क्या बोलते हो? बसंती हवा। तो आंसर क्या आएगा इसमें? फर्स्ट वाला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि ताव्य का शीर्षक क्या होना। अपन ने यह पूरा पद्य पढ़ लिया है तो इसमें सबसे अच्छा बात है बसंती हवा लगता है, तो अपने शीर्षक भी वही पूर्वी पश्चिमी और बेटी इसका तो कई वर्णन है, बसंती हवा का है तो इसका अपन सही आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की क्या क्या विशेषताएँ बताए। ले तो अब विशेषताएँ देखते हैं। हाँ, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, वह बड़ी बड़ी बावली हो, मतमेली हो, फिरती हो, निडर हो और जिधर जाओ उधर ढूंढ जाती हूँ। अने त्यारे बावली, मतमेली, बेती, बेफिर, यह बेफितर है ना, निडर, सोचता, इधर जाए उधर अनोती न ढूंढती, यानी इधर चाहे उधर ढूंढती है, तो आंसर क्या आएगा इसका? सेकंड आंसर आ जाएगा, यानी कि हवा, बावली, मतमेली, ब्रेती, निदर, स्वस्थ, इधर उधर ढूंढने वाली अनोती मुसाफिर हो। ये तो मुसाफिर गया, अनोती इधर उधर, इसमें न आया है ना, तो सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत की हवा तो मत मेला क्यों कहा गया। तो अपन यह पूरा पढ़ लिया है क्योंकि वह फित रहते साथ, पूर्व इधर उधर घूमती है, क्योंकि वह बिना फित रहते साथ निडरता पूर्व घूमती नहीं है, क्योंकि वह बिना फित तरह से निडरता पूर्व उधर उधर घूमती, क्योंकि वो बिना फितर से निडरता से पूर्व इधर उधर ढूंढते, तो आंसर क्या आएगा इधर इसका? चौथा। क्या आंसर आएगा? चौथा। नहीं तो वो इधर भी ढूंढती है तो फितर ही नहीं है, बिना फितर के कहीं पे भी आ जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत की हवा तो एक अजीब मुसाफिर की संध्या क्यों होती, क्योंकि वो निडर है, राइट? क्योंकि वह सभी ज़्यादा निकलता और स्वच्छता मुताबिक ढूंढते। दे तो आंसर क्या आएगा इसका? क्या वह सभी ज़्यादा निपुण रूप से मानते मुसाफिर ढूंढती है? नहीं ढूंढती, गलत है। तो सभी ज़्यादा तुच्छ आधा तो अपन यही गलत कर, सभी ज़्यादा, तो आंसर क्या आएगा? हल्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह जो
दिया इस तो अपन पर। जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में तीन भाग पानी है, उस प्रकार धरती पर तीन भाग जल है। जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, परंतु आज तक लोग इंडस्ट्री और रिहायशी भवनों के नाम पर एक दलन दलन निर्णयों के तहत हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गला दोहन किया जा रहा है। कहते हैं कि जल ही जीवन है, बिना पानी सब कुछ, यानी जल के बिना हमारा जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारण वंश पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी। तो अपन इतना जो जो दध्यान तथा शेष देंगे वो क्या देंगे, जल का महत्व, जल का महत्व, जल का मान, जाल का मान। तो त्याग का आंसर रहता है जल का महत्व। नेक्स्ट है, धरती पर कितने भाग पानी है। यहाँ दिया था धरती पर तीन भाग पानी है, दो भाग, चार भाग, पांच भाग, तो आंसर आएगा तीन भाग पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली किसके कारण है। जल के कारण, पौधों, तालाब, तो क्या आंसर, जल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली का विनाश किसके कारण हो रहा है। रिहायशी भवनों और जल के धरती के दलन दोहन और दलन नियमों, तो फर्स्ट ही लाता है तो अपन ज़्यादा हो नहीं था तैयार दे, तो ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसमें यहाँ से लो जल का धरती का दोहन कर रहा है, इतना पूरा चुप करना। स्क्रीन तर के आप पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त है। हमें हरियाली और ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमें जल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, प्रदूषण से पता है हरियाली से होती है। तो आंसर आपका फर्स्ट था। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन तो भी क्लिक कर, जिससे मेरे नए नए नोटिफिकेशन आप आते रहे। आते रहे, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन रीजनिंग के क्वेश्चन हल करेंगे।